हर एक इंसान ने कभी ना कभी ये जरूर चाहा होगा कि एक बार ही सही पर उसे अपना भविष्य देखने मिल जाए, और इंसान की ये चाहत पूरी भी हो चुकी है। कैसे? फेस ऐप के जरिए। नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में, मैं हूँ वैशाली। रूसी कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऐप जिसका नाम है फेस ऐप, ये ऐप ट्रेंड कर रहा है पूरी दुनिया में। इस ऐप में वैसे तो कई सारे फिल्टर्स हैं, पर एक खास फिल्टर जो आपको हर जगह देखने मिल रहा होगा वो है ओल्ड एज फिल्टर। इस फिल्टर को लोग इस्तेमाल करके अपना बुढ़ापा देख रहे हैं और अपने बुढ़ापे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। फेस ऐप के बारे में ये भी चर्चाएं हैं कि इस ऐप के जरिए आपका प्राइवेट डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन फेस ऐप से जुड़ा एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा कुछ सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी होता है। चीन के बीजिंग शहर में 18 साल पहले एक बच्चे की किडनैपिंग कर ली गई थी। इस बच्चे का नाम है यू वी फिंग और अब ये 21 साल का हो चुका है और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। जानते हो, आप सब सोच रहे होंगे कि एक किडनैप किए हुए बच्चे की जानकारी हमें कैसे है। तो ये जानकारी हमने नहीं निकाली, ये जानकारी निकाली है चाइना पुलिस ने। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पुलिस को ये आइडिया आया है कि क्यों ना खोए हुए और किडनैप किए गए बच्चों की पुरानी तस्वीरें फेस ऐप के जरिए वर्तमान में कन्वर्ट की जाए, जिससे ये अनुमान लग सके कि अब वो कैसे दिखते होंगे। इसके बाद पुलिस ने वीफेंग की फोटो कन्वर्ट की और उसकी खोज शुरू कर दी। एक सॉफ्टवेयर की मदद से करीब 100 फोटोज छांटी गई और फिर वीफेंग की फोटो को मैच करके उसे खोजने में सफलता हासिल हुई। 6 मई 2001 को एक कंस्ट्रक्शन साइट से वीफेंग को किडनैप कर लिया गया था। वीफेंग के पिता उस वक्त वहां फोरमैन के तौर पर काम करते थे। बेटा वापस मिलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि वीफेंग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसकी किडनैपिंग हुई थी, लेकिन डीएनए टेस्ट ने सब साफ कर दिया। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब किसी ऐप ने बिछड़ों को मिलाया हो। इससे पहले तमिलनाडु की एक महिला जया प्रदा ने टिकटॉक के जरिए अपने घर से 3 साल से गायब पति को ढूंढ निकाला था। इन सब से तो यही साबित होता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, बस फर्क इतना है कि आप कौन सा पहलू देखना चाहते हैं। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।